स्टेट 42 बार मैंने कहा भविष्य की जो राजनीति, तमिलनाडु से ये नाम आता है, और भविष्य की राजनीति को ध्यान में रखकर कि किस तरह से चेहरे को अकोमोडेट करना है। बीजेपी का चेहरा है तमिलनाडु में, एनडीए के ज़माने में जो पहला अगर अटल जी की सरकार में बात करें तो तमिलनाडु से रिप्रेजेंटेशन रहा, लेकिन ये बीजेपी का चेहरा है और ये बहुत महत्वपूर्ण है पार्टी के दृष्टिकोण से, और ये तमिलनाडु से जो चेहरा था इसको भविष्य की राजनीति के तौर पर स्थान दिया। डॉक्टर एल मुरुगन 42वां नाम था, अब 43वां नाम निशित प्रमाणिक जी, बार बार चर्चा इनकी भी उतरी, पहली बार एमपी हैं, असिस्टेंट टीचर के तौर पे प्राइमरी स्कूल में कार्य, कूच बिहार पश्चिम बंगाल से आते हैं, बहुत चर्चा में रहा कूच बिहार, कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया पहली बार सांसद बने 2019 में। प्रमाणिक फेथफुली पश्चिम बंगाल से एक चेहरा और, डिस्चार्ज माई ड्यूटीज एज ए मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर द यूनियन एंड दैट आई विल डू राइट टू ऑल मैनर ऑफ पीपल in accordance with the constitution and the law. 43वां नाम, और अगर आप पूरी चीजें देखेंगे, बहुत ध्यान से देखेंगे क्योंकि बहुत नाम की घोषणा होती रही, तो आप देखेंगे कि पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश और गुजरात, ये तीन ऐसे जगह हैं जहां पर प्रमुखता के साथ, और प्रमुखता के साथ कहना चाहिए कि मंत्रिमंडल में उनको जगह दी गई है, स्पेस दिया गया है। आप कह सकते हैं पश्चिम बंगाल में चुनाव हो चुका है तो फिर, लेकिन पश्चिम बंगाल की जो राजनीति है उसकी जो दशा और दिशा है उस पर पार्टी को लगता है कि वहाँ पर काम करने की ज़रूरत है, विस्तार की ज़रूरत है, लिहाजा वहाँ के लोगों को जगह भी मिली, और लोकसभा चुनाव में जिस तरह का परफॉर्मेंस रहा है पार्टी का, वो एक वजह भी। पश्चिम बंगाल से निश्चित प्रमाणिक का नाम, तो आप पूरी अगर एनालिसिस करेंगे पूरे मंत्रिमंडल का तो ये आपको नजर आएगा इस बात का। 43वां नाम निशित प्रमाणिक का, प्राइमरी स्कूल के टीचर के तौर पर कूच बिहार से पश्चिम बंगाल का उत्तरी वाला हिस्सा बंगाल का, वहां से जगह पाते हुए। तमाम एनालिसिस के पॉइंट, लेकिन ये बात सच है कि इस टीम में जो ड्रीम टीम है इसमें खास तौर से युवा और पहली बार जो एमपी बने उनको भी जगह खास तौर से दी गई, और ये एक महत्वपूर्ण बिंदु है। तैतालीस नामों की जो लिस्ट थी, और